के साथ। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी ने लखीमपुर की घटना पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री तिवारी ने कहा कि लखीमपुर जो कुछ भी हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना को मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है और उसमें जितना हो सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। वहीं विपक्ष द्वारा इस पूरे मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किए जाने को लेकर क्यों उन्होंने कहा कि पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसलिए विपक्ष परेशान है और किसी तरीके के मामले को उठा करके आग में घी लगाने का काम कर रही है। देखिए, लखीमपुर की घटना जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उसमें जितना हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। देखिए, आज विपक्ष के पास आज राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं और इसलिए विपक्ष परेशान है और इसलिए किसी तरीके के मामले को उठा करके उसमें आग में घी डालने का काम विपक्ष कर रहा है। आज जो मुद्दा विहीन हो गया है इसलिए चूंकि गाड़ी से एक्सीडेंट जा रहे थे, घटना हुई, हमने खुद ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जो भी हो सकता है योगी जी की सरकार। खेल मंत्री होने के नाते जब उपेंद्र तिवारी से वाराणसी में सिर्फ दो ही कोच अथॉरिटी होने के बाबत पूछा गया तो उपेंद्र तिवारी ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर जब पूरे देश और दुनिया की गतिविधि बंद है तो उसी में खेल गतिविधि मात्र स्टेडियम में खोला गया है, सिर्फ एथलेटिक के लिए है और भारत सरकार की गाइडलाइन में पूरे देश में खेल गतिविधि बंद है और जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन आएगी तुरंत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं सैलरी न मिलने के बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सैलरी न मिलने के कारण दूसरा होता है, जो होता है वह उनका और 1 मार्च से रिन्यूएबल होता है और 22 मार्च को कोरोना आ गया और इसलिए रिन्यूएबल उनका नहीं हो पाया। कि भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर, एडवाइजरी के आधार पर खेल गतिविधि जब पूरे देश और दुनिया की गतिविधि बंद है तो उसी में खेल गतिविधि मात्र स्टेडियम को खोला गया है सिर्फ सिंगल गेम्स के लिए जो एथलेटिक्स के प्लेयर हों, बाकी भारत सरकार के एडवाइजरी पे पूरे देश और उत्तर प्रदेश की खेल गतिविधि बंद है। स्पोर्ट्स कॉलेज बंद हैं, हॉस्टल्स बंद हैं और कोचिंग की पूरी व्यवस्था बंद है। जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन आएगी तुरंत ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं मिल रही। नहीं, सैलरी न मिलने के पीछे दूसरा कारण कि 31 दिसंबर को इनका वो होता है और 1 मार्च से रिन्यूअल होता है, 1 अप्रैल से, और 22 मार्च को ही ये लग गया कोरोना और इसलिए रिन्यूअल उनका नहीं हो पाया। पेच अलग है और इस नाते उनका नहीं मिल पा रहा है, बाकी सब सिलेक्शन शुरू हो गया। सच के साथ।